राम जग्गू बेटा, राम राम काका, अरे राम भगवान राम। की दया से तेरी फसल इस दफा भर के हुई है। अरे काका बीज बहुत बढ़िया डाले थे। अरे मेहनत भी तो कड़ाके की है, ऐसी क्या बात है। अरे भैया सब भगवान की मेहरबानी है। काकी राम राम। अरे तेरी काकी ने आज सरसों का साग बहुत बढ़िया बनाया, आजा दोनों खा लेंगे। अरे नहीं काका, मालती हमारा खाना लेके आती होगी, तुम खाओ। अच्छा भाई तेरी मर्जी, चल भगवान चल खाने। अरे वो आ गई हमारी बन्नो, अरे संभाल के पैर न फिसल जाए। बस देखे ही जाओगे या कुछ खाओगे भी, बैठो उतारो। ला बाबा ला। ओ नथुनियो ने होय राम बड़ा दुख दीना, नथुनियो ने। लो खाना खाओ। अरे मेरी तो भूख ही मिट गई थी। मुझे देख के तो तुम्हारी भूख हमेशा ही मिट जाती है। लल्ला हाय राम, कुछ तो शर्म करो, एक बच्चे के बाप हुए हो। अरे इसमें शर्म की कौन सी बात हो गई, कोई फना के लेके नहीं आया, साथ फेरे डाल के हाथ पकड़ के सबके सामने ब्याह के लेके आया हूँ। और रही बच्चों की बात, अरे एक दो बच्चे तो सबके होते रहते हैं। मेरा तेरा प्यार तो दर्जनों को जन्म देकर रहेगा। प्यार दर्जनों को जन्म देने के लिए नहीं होता, जन्म जन्म साथ जीने और मरने के लिए होता है। अरे बहुत बड़ी बड़ी बात। हटो जी। अरे धैर्य तेरे की लल्लू राम, तेरे स्कूल के घंटे भी अभी बजनी थी। आजा 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 आजा। ओ दो दो दो। शाबाश। अरे लल्लू खाना खाते रहोगे कि कुछ पढ़ के भी आए हो? हाँ बाबा खूब पढ़ा, भोजन करने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मेरी छोटी सी कुंडली को कभी किसी की नजर न लगे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु। मालती अगर किसी की बुरी नजर हुई ना तो माँ कसम मैं उसे धरती माँ की छाती में गाड़ दूंगा। चल तो खाना का, चल चलो खाना खा। अयो जग्गू बेटा। ठीक है बेटा। क्या काका? अरे मैंने सुना है तुम शहर जाने वाले हो। हाँ काका मैं शाम को जा रहा हूँ। भाई मुझे कुछ सामान मंगवाना था, ला दोगे? ठीक है मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ। बिरजू मेरा राजा बेटा खाना खाएगा ना, ले बेटा। ठाकुर साहब का भी जवाब नहीं, कीचड़ में भी कमल ढूंढ लेते हैं। याद रहे हिंदुस्तानी औरत अपनी इज्जत पर जान तक कुर्बान कर देती है, और हम जैसे शराबी तुम्हारी जैसी भरी बोतल पर बलि हो जाया करते हैं। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तनाई शबाब और शराब से भरे इस माहौल में उन
मेरी माँ आ गई मुन्ना, ए मुन्ना। मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी, कौन सा मुंह दिखाऊंगी? मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ न निभा सकती। ओए राम बड़ा दुख दीना न तनिया ने आए। क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान जाने कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, कब हमें जमींदार के जुल्मों से छुटकारा मिलेगा? हमारी माँ बहनों की इज्जत कब तक लुटती रहेगी? प्यार दर्जनों को जन्म देने के लिए नहीं होता, जन्म जन्म साथ जीने और मरने के लिए होता है। की मौत किस दिल में छुपा है वो कमीना? किसी पत्नी के सामने उसके पति को गाली देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की पत्नी की इज्जत लूट के उसके बच्चे को मौत के घाट उतारते हुए तुम्हारे उस कमीने पति को शर्म नहीं आई? खबरदार जग्गा, जो तूने हिंसा करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। एक नहीं 10 गोली चलाई है दीवान साहब, लेकिन जब तक ठाकुर से मैं अपनी बीवी बच्चे की मौत का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मौत को भी मुझसे डरना पड़ेगा। तुम जोश में होश भी खो बैठे हो जग्गा, मैं फिर कह देता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली मार दूंगा। किशन, नहीं दीवान साहब, गोली मत चलाइए, कहीं मेरे किशन को न लग जाए। सुन भैया, छोड़ दो मेरे बच्चे को। गुराइन, दूसरों के दिलों पे क्या गुजरती है इसका कभी एहसास हुआ है तुमको? छोड़ दो मेरे लाल को, एक बाप और रहम को। रुक जाओ जग्गा। दीवान साहब, जाइए मेरे बच्चे को बचाइए। दीवान साहब जाइए, सब पीछा करो। दीवान
औलाद का बदला मैं तुझसे लूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ बाबा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जगा होश पे आओ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बाबा? ये मासूम उस तहरीले सांप की औलाद है जिसने मेरे बीवी और मेरे बच्चे को डस लिया है। तुम बाप के किए गुनाह की सजा बच्चे को देना चाहते हो? बाबा, मैं जमींदार के खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकल और जोश में बहुत दूरी होती है। जमींदार की ताकत का अंदाजा तो मैं नहीं, तुम उसकी ताकत के सामने किसी दिन की दीवार। बाबा, मेरी रगों में खून खौला है, मेरे अंदर सिर्फ एक जज्बा है, बदला बदला बदला। बड़ा तुम ले रहा बदला, तुम ही लोगे बदला। कैसे बाबा? जग्गा, खुदा तुमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। जालिम जमींदार का ये मासूम बच्चा तो गीली मट्टी की तरह है, इसे तुम जो भी चाहो शक्ल दे सकते हो। इसके दिलो दिमाग की कोरी किताब के हर सफे पर शराफत, इंसानियत और ईमानदारी लिख दो, फिर टकराने तो वहां पर बैठी हो। सच्चाई और बुराई का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। बाप बेटे के हाथों घायल हो जाए। ठीक बाबा, और ये घाव जिंदगी भर जमींदार को खून के आंसू रुलाता रहेगा। ये लो भैया। आओ बेटी, आओ। मैं अपने राम को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, इसकी परवरिश तुम शहर में ही करो, कहीं ये भी मेरे किशन की तरफ। लेकिन दीदी, ये सब हुआ कैसे? उनकी जिम्मेदारी के जुल्मों की सजा मिल रही है भैया, जिम्मेदारी चलती रहेगी, जुल्म होते रहेंगे और जग्गा जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे। भगवान न करे कहीं मेरे राम को, मेरा राम भी जग्गा जैसे की भेंट न चढ़ जाए। समझ में नहीं आता कि जीजा जी को कैसे समझाया जाए। मान सिंह, ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम मेरी जगह पर होगी। दुजन सिंह जी ठाकुर, 40 गांव तक ढिंडोरा पिटा दो कि जो भी हमें जग्गा और किशन का पता बताएगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिले। लेकिन जीजा जी, ये काम तो पुलिस का है। देखो, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी पुलिस को भी। दुजन सिंह, हमारे आदमियों को चारों तरफ भेज दो, मुझे जग्गा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? जी ठाकुर। शाबाश बेटे, आज से तुम्हारा नाम बादल। हाँ बेटे, वो बादल जो चंबल के हर मजबूर और लाचार इंसान के लिए एक दिन रहमत का फरिश्ता बनेगा। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। मेहनत हम करें, तपती धूप में खून पसीना हम बहाए, और सारा अनाज ठाकुर का गोदाम में। ठाकुर मालिक है, कान खोल कर सुन लो, पौना हिस्सा ठाकुर के गोदाम में जाएगा और पौ हिस्सा तुमको मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, कौन रोक सकता है हमें? लूट लो अनाज। काली मां, कौन हो तुम? काम दिखाए बिना नाम नहीं बताता। Oh, my God.
दुर्जन सिंह, अपने ठाकुर से जाकर कह दो कि मजलूमों की हिफाजत करने वाले का नाम बादल है। बादल, 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 बादल। उसने तुम लोगों की शक्ति को खत्म कर दिया है और तुम लोग कुत्तों की तरह दम दबा के भाग आए। बहुत फुर्तीला है ठाकुर। हमने तुम्हें दुश्मन की फुर्ती खत्म करने के लिए रखा है, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं। हम उसे गोली मार सकते थे ठाकुर साहब, लेकिन आप ही का हुक्म है कि कानून से बकवास बंद करो। कानून हमारे लिए है तो उसके लिए भी है जो हमसे हमारे चीज छीन रहा है। हमने तो पूछताछ की थी जमींदार साहब, सब लोगों का यही कहना है कि गलती आपके आदमियों की थी। मेरे आदमी अपना लगान लेने गए थे, इसमें उन्होंने गलती क्या की? हिस्सा मांगने का भी एक ढंग होता है। आपके आदमियों ने लोगों पे हाथ उठाने की कोशिश की और बादल ने उन मजदूरों की तरफ से उन हाथों को रोकने की। कौन है ये बादल जिसका आप इतना फेवर कर रहे हैं? वो कौन है क्या है जमींदार साहब, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कानून की नजर में उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हम उस पर हाथ डाल सकें। इंस्पेक्टर, आप शायद मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। ठाकुर रणबीर सिंह के आदमियों का हाथ रोकने वाला कोई माइका लाल चंबल में पैदा नहीं हुआ। आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं जमींदार साहब? नहीं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन बता रहा हूं। मुझे लगता है तुम इस स्टेशन पर गलत आ गए हो इंस्पेक्टर। जी हाँ जमींदार साहब, और आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहां से जा भी रहा हूं। यहां का इंचार्ज बनकर आपका अपना बेटा आ रहा है। शांत हो गया, अब कुछ नहीं करेगा। दोस्त, मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर। तुम इसे जानते हो? अच्छी तरह। बस अब तो यह देखना है कि बेटा वर्दी के नकाब में क्या गुल खिलाता है। मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे यहां किसी ताकत या किसी नकाब के बारे में कुछ पता नहीं। मैं इंस्पेक्टर बनकर आया हूं, यही कोशिश करूंगा कि यहां की हवा में बसी हुई जुर्म की बदबू को साफ कर सकूं। इंसान अपने हाथों से अपना शरीर नहीं काटता इंस्पेक्टर। शरीर का जो हिस्सा सड़ जाए उसे ना काटना शरीर की तबाही बन जाता है। बातों में तो दम लगता है, करते कितना हो ये भी देख लेंगे। जय काली मां। अजीब आदमी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम चंपा है और उसका बिजली। नमस्ते बिजली जी। ये भी कई काम से। आपने हमारी जान बचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अकेले थोड़ी आपकी जान बचाई है, बादल ने भी तो हाथ बटाया था। बादल का शुक्रिया बिजली अदा कर दीजिए, आप मेरा कबूल कर लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो कर लेता हूँ। लाओ। क्या शुक्रिया। वाह बाबूजी, ये भी कोई लेन देन की चीज है, ये तो जबान से कही और दिल ने कबूल कर ली।
चलो यही सही, आपका शुक्रिया हमारे दिल ने कबूल कर लिया, बस बस। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा अब तो ये नहीं पूछेगी। अच्छी हूँ। माँ पिताजी कहाँ? तेरे पिताजी दूसरे गांव गए हैं, तो
बहुत सही लौट आए। अच्छा अच्छा भैया, हमने सुना है कि तुम इसी गांव में नौकरी करने वाले हो। हाँ वो हम, तुम शहर के आदि हो गए, इस गांव में तुम्हारा मन लगेगा क्या? हाँ भैया, एक मिनट एक मिनट, जहाँ माँ की ममता और बहन का प्यार हो वहाँ किसी का मन कैसे घबरा सकता है? क्यों माँ, मैं जानता हूँ कि बचपन से आंसू कृष्ण भैया के लिए पहले चले आ रहे हैं, आज ही आंसू। बेटा, तुझे इतना बड़ा देखकर आज मुझे कृष्ण की याद आ गई, वो भी इतना ही बड़ा हो गया होगा, जाना तो नहीं जाएगा, पता नहीं किस हाल में होगा, इस तरह का जीवन व्यतीत करना। माँ, नहीं माँ, मन छोटा नहीं करते, वो जिस हाल में भी होगा बहुत अच्छा होगा। जय काली माँ। कौन हो तुम? अगर दोस्त नहीं हूं तो दुश्मन भी नहीं हो सकता। क्या पका रहे हो? चावल। वाह 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 वाह, ये बात हुई ना। अपने बदन पर सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वैसे भी एक टाइम खाने के लिए 5 गोलियों से ज्यादा नहीं चलाता, 6ठी गोली सिर्फ खून बहाने के लिए चलाता हूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, अगर सिर्फ खाना ही खाना है तो। अबे इस आवारा को जिंदगी में पेट भरने के सिवा और क्या चाहिए? तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। हम अच्छे नहीं? तुम लोग कौन हो? मेरा नाम जोरावर है और हम संग्राम सिंह के आदमी हैं। कौन संग्राम सिंह? वही संग्राम सिंह जिसके नाम से माए अपने बच्चों को डराती हैं, शेर अपनी गुफा में घुस जाते हैं, चंबल का जर्रा जर्रा जिसके नाम से कांप उठता है। होगा यार, हम तो हवाओं के बादल हैं, मिट्टी को डराने वालों से हमें क्या लेना देना। अच्छा दोस्त, मैं चला, चावल का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जय काली माँ। कौन हो सकता है? पुलिस का आदमी तो नहीं? नहीं यार, मुझे तो कोई दीवाना लगता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस वर्दी की इज्जत बनाए रखूं और सच्चाई के साथ अपने फर्ज को निभा सकूं। मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटे, भगवान तेरे फर्ज को हिमालय जैसी मजबूती दे। मैं चलूं? जाओ बेटे और हमेशा कामयाब रहो। ये माँ बेटों में क्या बातचीत हो रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि राज बाप का और कानून बेटे का। फिरोज मैं चलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना। जाओ बेटे। सुनो, इस वर्दी में बरखुरदार बहुत अच्छी लग रहे हो। सुनिए क्या कह रहे बेटा। और ये रहे पुलिस स्टेशन के सारे तालों की चाबियां। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस एरिया में बिल्कुल नया हूं, एक तजुर्बेकार ऑफिसर के नाते एक नए ऑफिसर को अपने एक्सपीरियंस की शिक्षा नहीं देंगे? इंस्पेक्टर राव, मेरा ख्याल है मैंने जो सोचा था वो गलत। क्या सोचा था आपने सर? मैंने इस वर्दी के पीछे एक जाल देखा था, लेकिन मुझे खुशी है कि वो मेरा फरेब था। डॉक्टर राम, इस कुर्सी के बारे में मेरा एक ही तजुर्बा है कि जब भी इस कुर्सी पर बैठो, जब भी इस वर्दी को पहनो, अपने फर्ज को हमेशा याद रखो और जुल्म के लिबास में सामने कौन है ये कभी ना सोचो, चाहे वो तुम्हारा अपना खून ही क्यों ना।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। रुद्राम हेड कांस्टेबल सर, सर मैं जरा राउंड पर गया हुआ था। क्या है सर, कांस्टेबल तो मैं अंग्रेजों के जमाने में भी था, मगर उस वक्त हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर गौर नहीं किया जाता था। सर देश आजाद हो गया, रुद्राम हेड कांस्टेबल हो गया सर। अब जब मैं गांव में छाती ताड़ कर चलता हूँ तो गांव के लोग तो क्या कबूतर भी मुझे सलाम करते हैं। सर गाँव में अगर किसी का रोब है तो मेरा, और मुझ पर अगर किसी का रोब है तो आपके पिताजी का, आपकी दुआ से। तुम पर तो मेरा रोब है मेरी दुआ से, लेकिन जमींदार साहब का रोब तुम पर किसकी दुआ से है? वो तो तुम्हारे ऑफिसर नहीं है। ऑफिसर नहीं तो ना सही सर, मगर बड़े बड़े अफसरों पर तो उनका रोब है। क्या पर्सनालिटी है उनकी, क्या अंदाज है, मगर पर्सनालिटी तो मेरी बहुत धांसू है सर। पानी लेवा सर। दरोगा जी। छोटे सरकार आप दरोगा जी कहाँ गए? चले गए हैं, मैं यहाँ का नया इंचार्ज हूँ। तब तो सरकार कोई बात नहीं बन सकत है। सुनो इधर आओ, क्या बात है, क्या बात है बोलो। सरकार जमींदार के आदमी लोग मंगलू चाचा को मारे डाल रहे हैं सरकार। भीख मांगे तो गाड़ी के भिखारी की इज्जत ही क्या। ठाकुर की झूठी हड्डियों पर पलने वाले तुझ जैसे कुत्ते से तो कहीं ज्यादा होती है। सू बोले तो बोले, छल्ली भी बोलने लगी। अरे सारे फिसाद की जड़ तो तू है, मान ले ठाकुर की बात, एक मकान तो क्या 10 मिल जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं दिलवा देता अपनी माँ बहन को एक एक मकान। छोटे ठाकुर, इंस्पेक्टर राम, ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? गुंडागर्दी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आपके पिताजी के हुक्म से कर्जा वसूल किया जा रहा है। कैसा कर्जा? डॉक्टर साहब ये मकान ठाकुर साहब के पास गिरवी है और रुपया लौटाने की तारीख निकल चुकी है, लिए मैं रुपया वसूल करने आया हूँ। गिरवी की रसीद कहाँ है? वो तो ठाकुर साहब के पास है। कर्जा वसूल करने के लिए कानून की मदद लेनी चाहिए, गुंडागर्दी या बदमाशी से नहीं। इस बात का जवाब तो ठाकुर साहब दें। जब तक जवाब नहीं मिल जाता तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। छोटे ठाकुर, शायद ये बात आपके पिताजी को पसंद नहीं आएगी। हवलदार जी हुजूर, ले चलो इन्हें, चलो। बाबा, बाबा। अरे चंपा बेटी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। एक मिनट है बेटे, एक मिनट। ये देख देख मैं क्या लाया हूँ शहर से तेरे लिए। कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे भाई हमारी बिटिया भी तो बहुत अच्छी है ना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बाबा, मुझे जैसी अनाथ को आप जैसे पिता का सहारा मिला। खबरदार बेटी, जो अपने आप को अनाथ कहा तो, अरे भाभी तुझे नहीं मालूम तेरा बाप हमारा कितना अच्छा दोस्त था। अरे हाँ बाबा, मैं तो बताना ही भूल गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई। कौन सी खबर? सुनोगे तो दो मुट्ठी खून बढ़ जाएगा। बेटे हमारा खून तो तब बढ़ेगा जब जमींदार के जिस्म का एक कतरा खून बह जाएगा। वो इच्छा तो तुम्हारी माँ काली जरूर पूरा करेंगे, लेकिन इस वक्त तो वो गुस्से में पागल हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बेटे राम ने दुर्जन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें भी जरूर जमींदार की कोई चाल होगी। ये दुर्जन बाबू है आपके पिताजी के आदमी। इस वक्त ये सिर्फ मुजरिम है। ओहो मुजरिम तो है, मगर सर इस वक्त इनको मुजरम कहना आपके पिताजी की। मैंने कह दिया ना इन्हें हवालात में बंद कर दो। हवालात में कैसे बंद कर दूं, कुछ समझ में नहीं आता। जमींदार साहब मुझको भी मारेंगे और आप। यस सर। सुरजन बाबू मैं बड़ा मजबूर आदमी है, तू तो जानते हो। यस सर, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, चलो अंदर। जी चलो भाई अंदर, आप तो जानते ही है मैं कितना मजबूर हूँ। आइए जमींदार साहब। मेरे आदमी कहाँ है? हवालात में। देखो राम, मेरे कामों के बीच में आज तक कोई नहीं आया, और जो आया उन्हें इंस्पेक्टर वर्मा की तरह दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होकर जाना पड़ता है। राम मैं यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। जमींदार साहब पहले आप शब्दों को समझिए फिर बोलिए।
एक इंस्पेक्टर के साथ किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर, मैं अपने आदमियों को लेने आया हूं। मैं बिना जमानत के उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरी जमानत चलेगी? जरूर। जाहिर है आप एक मशहूर आदमी हैं, इज्जतदार हैं। आइए। रुद्राम। यस सर। ये लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। रिमिला साहब, आप, मैंने सोचा ही था कि आप आएंगे। रुद्राम। यस सर। दुर्जन सिंह और उसके आदमी को छोड़ दो। छोड़ दूं सर? मैंने तो पहले भी। यस सर। ये लीजिए, साथ ही मेरी एक रिपोर्ट लिख लीजिए जिस पर आज ही अमल हो जाना चाहिए। फरमाइए, क्या रिपोर्ट है? ये वो दस्तावेज है जिस पर मंगलू के मकान पर लिए कर्जे की तफसील है। मैं पसंद करूंगा कि जब तक मुकदमा शुरू ना हो पुलिस इस घर पर ताला लगा दे। मेरा ख्याल है ये काम आप पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। चलो दर्जन सिंह, जाओ जाओ। सर, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सर, सब ठीक हो रहा है इंस्पेक्टर। आज फर्ज ने बाप के जुल्मों को पहली बार ललकारा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आपके पेपर्स। घर को ताला लगाने का हुक्म मिल गया है। तब तो आपको वो काम भी करके आना चाहिए था। पिताजी, पिताजी, पिताजी को करीब आदमी है। आज उसकी लड़की की शादी है। एक छोटी सी अड़चन भी उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आप जरा सोचिए, आपकी भी एक लड़की है। अगर उसकी शादी में कोई ऐसी रुकावट आ जाए। रुकावटें उनके रास्ते में आती हैं जो कमजोर होते हैं। राम, तुम अपनी इंस्पेक्टरी का फर्ज निभा रहे हो और मैं अपनी जिम्मेदारी का। माँ, आज तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। माँ, कोई नहीं। बाबा, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? भगवान ने छोटे ठाकुर के मन में हमारे लिए दया भर दी है। मेरा दिल कहता है कि दीदी की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। बाबा, बेटी, मुझे तो ये चिंता खाए जा रही है कि मेरी लाडली की डोली उठने से पहले कहीं ठाकुर कचहरी से डिग्री न ले आए। अगर ऐसा हुआ तो ये बेइज्जती मेरी जान लेकर रहेगी, जान लेकर रहेगी। आज खुशी के दिन पे ऐसी बात मत करो बाबा। सारे फिसाद की जड़ तो तू है, मान ले ठाकुर की बात। आओ आओ छोले ठाकुर, बैठो। सेठ जी, हुकुम। मुझे कुछ पैसे चाहिए। थानों पैसों की जरूरत? वो जो कुछ बात ऐसी है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन पैसे मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। राम राम छोटे ठाकुर, काहे मारे मुंह पे खाक फेंक रहे हो? ये लो चाबी, निकाल लो जी। लो मंगल भाई। खान साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। ओए, पहचानने वहचानने का बात छोड़ो भाई, बैठो बैठो बैठो। देखो, हम भी तुम्हारा माँ पर खुदा का एक बंदा है। क्यों चंपा बच्चा? चंपा बेटी। काका, मैंने सोचा कहीं ठाकुर कचहरी से हुक्म ना माना लिया है, इसीलिए। वो इस बच्चे ने हमको तुम्हारा परेशानी बताया। खुदा की कसम, हमको हमारा बच्चा याद आ गया। मंगल भाई, जैसे तुम्हारा बच्चे का शादी, ऐसा हमारा बच्चे का शादी। लो रखो। रख लो ना काका, रख लो। रखो। हाँ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन। लेकिन बेटी, कुछ नहीं, तुमको जो मिलता है हम देगा, खुदा की कसम हम देगा। तो मंगल भाई, इस पतन का ईमान है कि इंसान दुनिया में नंगा आता है और ढाई गज का कफन लेके जाता है, बस। हाँ साहब,
आप सचमुच सुदामा के घर में कृष्ण बनकर आए हैं। वो शर्मिंदा करते काय को, हमको शर्मिंदा करते तुम। अच्छा खान साहब, इस पे ब्याज कितना होगा? पूरी ब्याज तो गाय को फिकर करते है मंगल भाई। पठान बाड़े का हम अकेला पठान है, हम नीचे वाले से ब्याज नहीं लेता है, हमको हमारा ब्याज वाला देता है। तुम बच्चे का शादी बनाओ, हमारा मुंह मीठा करो। मंगल भाई बच्चे का शादी बना। मैं नहीं पीती। हेलो, शराब की बोतल में शराब की गर्मी फायदा ही देगी। आग में घी नहीं डालते ठाकुर साहब, कहीं चिंगारी शोला ना बन जाए। बहुत खूब, शराब से ज्यादा बात गर्म है। वैसे हम शोलों को बुझाना भी अच्छी तरह जानते हैं। इतनी जल्दी क्या है ठाकुर साहब? कुछ सुर, कुछ संगीत। Thank you.
हो बादल। एक बाप के हाथ बेटी का दामन अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो इसे। मत भूलो, मुझ पर उठाए हुआ एक हाथ हजारों हाथों की कट्टी की वजह बन सकता है। वो जमाना गया ठाकुर, आज हर हाथ अपनी हिफाजत करना जानता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कहता हूँ गोली मत चलाना। क्या बात है ठाकुर, मौत को सामने देखते ही कांपने लगे? बिजली के घर के कागजात कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ कहाँ है? पूछताछ में लीली, वो कागजात ले जाते हैं। रुक जाओ। अपने आखिरी वक्त में अपने शैतान को याद कर लो जमींदार, ताकि मरते ही तुम्हें नरक का दरवाजा खुला मिले। नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। हट जाओ माँ जी, आज इस हैवान के जुल्म के अंजाम का वक्त आ गया है। मुझे माँ जी कह के मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ोगे? ये अब कुछ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ। एक माँ अपने बेटे से अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती है, मैं दामन फैलाती हूँ, मेरे सुहाग की भीख दे दो मुझे। तुम्हें तुम्हारी माँ की सोचूं। तुम बहुत खुशनसीब हो ठाकुर, जो एक देवी सी तुम्हारी पत्नी है। लेकिन अगली बार अगर किसी की बहू बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथों लुटते देखी, तो बादल के हाथों से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलो बिजली। सुनो बेटे, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक माँ की दुआ है कि भगवान तुम्हारे जीवन के हर पल पर, हर माँ की दुआ, हर बहन की इज्जत और हर बेटी का प्यार बनाए रखे। कब तक आपकी ये हरकतें चलती रहेंगी? आज एक बादल का हाथ आपके गिरेबा तक पहुंच गया। इसके पहले कि हर भाई हर बेटा बादल बन जाए, बदल डालिए अपने आप को। मन करो, बदल डालिए अपने आप को। बादल और ये सारी अकड़, अगर मैंने कुछ रख के नहीं रखती, तो मेरा नाम भी ठाकुर रणबीर सिंह नहीं। तुम जाओ, बारात आ चुकी है, घर वाले परेशान होंगे। बादल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा। मदद के लिए? बिजली, तुम एक औरत हो, वो औरत जो बेटी बनकर जन्म लेती है और मां बनकर खत्म होती है, उसकी जिम्मेदारी में। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हटना चाहती, लेकिन मन मंदिर में अगर कोई देवता समा जाए तो उसकी पूजा करना कोई पाप तो नहीं है? पूजा करना पाप तो नहीं है, लेकिन पूजा के काबिल देवता तो होना चाहिए। जिसे हजारों लोगों का प्यार मिले वो किसी देवता से कम तो नहीं?
जो बादल हजारों दिलों में बसा है उसका अपना दिल, अपनी जिंदगी सबकी अमानत है। वो अपने आप को किसी एक दिल में नहीं समा सकता। जय काली मां। मैं कृष्ण की राधा न सही, मेरा तो बन सकती हूँ बाबा। बाबा आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? बाबा दीदी की डोली उठ गई ना। तू कहाँ गई थी? बाबा एक नर्क के द्वार पर एक देवता के दर्शन करके आई हूं बाबा। क्या तू तू ठाकुर के यहां गई थी? अरे ये तूने क्या किया? पगली, पैसे का इंतजाम तो हो ही चुका था, फिर भी तू नहीं। बाबा तुम मुझे गलत समझ रहे हो माँ, मैं आपकी सौगन खाती हूँ बाबा, वहां ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी इज्जत का खून करके किसी दूसरे की मांग में सिंदूर भरना चाह? ऐसा मत सोचिए बाबा। अरे तूने ये क्यों नहीं सोचा? तेरे माथे पर लगा हुआ कलंक तेरे बाप को कहीं का नहीं रखेगा। तेरी बहन की डोली न उठती, अरे उसकी अच्छी उठती तो अच्छा। ऐसा मत कही बाबा, भगवान के लिए ऐसा मत कही। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। उठो बेटे उठो, बिजली ठीक कहती है मंगल भैया, जुल्म की मजबूती को इंसाफ ने तोड़ दिया है। माँ। हाँ बेटे, बहन इस पर विश्वास करो, इसने कोई पाप नहीं किया, ये बिल्कुल पवित्र है। बादल ने इसकी इज्जत को बचा लिया। बादल ने? हाँ, इसकी इज्जत ही नहीं तेरी माँ के सुहाग की जिंदगी भी दान कर दी मेरी प्रार्थना पर। अरे बिरादर, बर्बाद करने वाले से आबाद करने वाला बहुत बड़ा है। मंगल भाई, तुम्हारा ये बच्चा तो हमसे भी दुआत आगे निकल गया। अल्लाह इस बच्चा को तौफीक दे। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। मंगल भाई अभी हम अपना घर को जाते हैं। खुदा हाफिज। के कमरे में एक इंस्पेक्टर है, बल्कि एक बेटा अपने पास के कमरे में आया है। वो बेटा जिसकी रगों में दौड़ने वाला खून, जिसके दिल की एक एक धड़कन, जिसके दिमाग की एक एक नस और जिसकी आत्मा तक शर्मिंदा हो गई आज कई नगर में, जिसकी नजर झुक गई अपने बाप की काली कर दूतों के सामने, जिसे जिसे नफरत होने लगी अपने आप से, इस माहौल से और आपकी अय्याशी से, जिसे जमींदारी का नाम और ठाकुरों की शान कहा जाता है। पिताजी, बेटे ने बाप का थप्पड़ तो बर्दाश्त कर लिया, अब बाप को सारी जिंदगी बेटे की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जा। पिताजी के कारनामे देखकर तो जी चाहता, ये खड़ी नहीं, ये नौकरी, ये गांव सब कुछ छोड़कर चला जा। मुझसे अब उनके ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होते चंपा। जिस बेटे से अपने बाप की कदर बर्दाश्त नहीं होती है, वो ये चाहता है कि उसका गांव, जहाँ की वो पैदा हुआ है, वहाँ के रहने वाले उसके बाप के अत्याचारों को बर्दाश्त करे। अब बकरी हो तो मैं ऐसा चाहता हूँ। हाँ, वरना तुम इस गांव को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करते। झगड़ा तो तुम बाप बेटे का है ना? नहीं चलता, यही तो तुम नहीं समझते। झगड़ा बाप बेटे का नहीं,
मेरे और उनके आदर्शों का। बस मैं तुम्हारे यही सुनना चाहती थी, आज मैं तुम्हें उन्हीं आदर्शों का हवाला देकर कहती हूँ कि ये मत भूलो कि तुम इस गाँव में क्यों आए थे, इसे स्वर्ग बनाने, लोगों का दुख दूर करने और बिटाने, और हर तरह की बात पर तुम अपने आदर्शों से डगमगा गए। हाँ राम, इस गाँव से तुम पर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि एक न एक दिन तुम्हें इस दिन और अत्याचार से छुटकारा दिलाओगे। बस चुप्पा बस, जिस बात के तूफान में कुछ देख नहीं पाया, आज मैं कसम खाता हूँ इस गाँव से जुल्म और अत्याचार के साय को भी मिटा दूंगा, चाहे इस रास्ते में मेरे पिताजी को। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया, मंगलू की बेटी की बारात टूट ली गई है। पूरे 20,000 का माल हाथ लगा है, इसे जमीन में दबा दो, तो एक महीने बाद वीरू सुनार के हाथ बेचकर रुपये सरदार के पास भेज देना। क्या इशारे मां? यकीन है तुम्हारे हाथ पर खराश भी नहीं आई होगी। बादल का निशाना कभी गलत नहीं हो सकता। बादल इनका अहमाल है, उन्हें पहुंचा दिया जाए। पुलिस, ऐसा करो तुम लोग पीछे दरवाजे से भाग जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? मिला नहीं। ओ शराब बोले, किसने चलाई थी? बादल ने। अरे ने? हाँ, वो यहाँ आया था, उसने कोई बारात लूटी थी, उसके पास जेवर थे, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। इज्जत बचाने वाले इज्जत वाले इज्जत लूटा नहीं करते लड़की। रुद्रराम, इनमें नजर रखना। बादल, छिपने से कोई फायदा नहीं, मैं कहता हूं बाहर आ जाओ, फौरन बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कातिल समझने पे मजबूर हो जाऊंगा। हैंड्स अप इंस्पेक्टर साहब, रिवॉल्वर फेंक दो। बादल, तुमने उस आदमी का खून किया है। मैंने उस आदमी का खून नहीं किया है। उस लड़की का बयान है कि तुमने बारात लूटी, उसकी इज्जत पर हमला किया और उसके बाप का खून करके भाग गया। और तुमने यकीन कर लिया? दिल ने तो नहीं किया, लेकिन एक चश्मदीद गवाह के बयान से तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। दोस्त, बारात का लुटेरा या कातिल मैं नहीं, लाखन सिंह है। कौन लाखन? संग्राम सिंह का साथी। और ये लूटा हुआ माल जिनका है उनको पहुंचा देना। सरदार, एक अड्डा तबाह हो गया है। कौन सा अड्डा तबाह हुआ? पूरी पहाड़ी का सरदार। चमकी कहाँ है? वो वहीं है सरदार। ये सब किसकी वजह से हुआ है? किसी बादल की वजह से। बादल? कौन बादल? तो तुम तक उसका नाम पहुंच ही गया संग्राम सिंह। आओ ठाकुर, तुम? हाँ संग्राम सिंह, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मगर तुम्हारे आदमियों ने तबाही की खबर तो तुम तक पहुंचा दी, शायद मेरे आने की खबर देने में डर रहे थे। आराम के वक्त हम सिर्फ काम की बात सुनते हैं। संग्राम सिंह, काम नहीं होता तो मैं इस वक्त यहां नहीं आता। मैं बादल के सर की कीमत 25,000 रुपए तक देने को तैयार हूं। बादल, सौदा काफी दिलचस्प है, आओ चलो। एक जमाना था संग्राम सिंह कि जो काम हम चुटकियों में कर लिया करते थे, आज हालात की वजह से वही काम हमें तुमसे कराना पड़ता है, वरना तुम तो जानते हो हमारे एक इशारे पर लाशों के ढेर लग जाया करते थे।
बात तो अब भी वही है ठाकुर। पहले हम तुम्हारा माल लूटा करते थे, अब तुम खुद ही माल देने चले आते हो और हम लोगों को खत्म कर देते हैं। वैसे यह साला बादल है क्या चीज, कोई तगड़ी चीज है क्या? तगड़ी है या नहीं ये जानना तो तुम्हारा काम है, लेकिन हमारे मुंह से निवाला छीन कर ले गया है और ये हमारी तबीयत के खिलाफ है। तुम्हारी तबीयत और हमारे रास्ते से जो भी खेलता है उससे जिंदगी प्यार नहीं करती ठाकुर। वैसे ये रहता कहां है? कुछ पता नहीं, घोड़े पर सवार होकर हर जगह पहुंच जाता है, अपने आप को हवा का झोंका कहता है। चंबल में कोई ऐसा हवा का झोंका नहीं ठाकुर जो संग्राम सिंह की इजाजत के बगैर किसी बादल को संभाल सके। कमल खिलते हुए तो कई बार देखा, लेकिन कमल पे कीचड़ पहली बार देखा। क्यों करना, जान बिना दांत के अच्छा नहीं लगता। आइए ज्यादा कविताबाजी मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वरना पुलिस की नौकरी छोड़कर किसी लड़की की जुल्फों में गिर जाएंगे। गिर जाएंगे? अजी घिर तो ऐसे गए हैं कि अपने आप को खिला दिया। अच्छा कौन है वो? चांद की चांदनी में नहाई हुई जिंदा मूर्ति जिसकी होठो की मुस्कुराहट से कलियों का जीवन समरता है, जिसके बदन से फीनी फीनी खुशबू ऐसे महकती है जैसे कड़ाके की गर्मी के बाद बारिश का पहला छींटा मिट्टी पर पड़ा। जानती हो कौन है वो? कौन है वो? अरे तेरी सदा पर मर जाऊं, अरे तनु मेरी नजर ना लग जाए कि देर। तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, गोरा नजर तेनू लग जाए ना, ले बांधिल काला डोरा, ले बांधिल काला डोरा, गोरा नजर तेनू लग जाए ना। ठुमक के नाच लोच कहीं आ जाएगी, बड़ी नाजुक है जरा सोच मोच कहीं आ जाएगी। तेरा रूप अभी है कोरा, तेरा रूप अभी है कोरा, कोरा नजर तेनू लग जाए ना। ना हुमक हुमक कर झूल गिरेगी झूले से, कहीं हाथ की रस्सी छूट न जाए भूले से। सुन दिल दिया मेरे चोरा, सुन दिल दिया मेरे चोरा, चोरा नजर तेनू लग जाए ना। उचक कर तोड़ तू
उमली दीवानी बचपन की शरारत छोड़ छोड़ ओ मर जानी बागां दे सोने मोरा बागां दे सोने मोरा मोरा नजर तेनू लग जाए ना हाय हाय तेरा रंग बड़ा है गोरा तेरा रंग बड़ा है गोरा गोरा नजर तेनू लग जाए ना लग जाए ना नजर तेनू लग जाए ना काम से आए हो रंजीत सिंह सरदार हिस्सा लाया हूं पंचशील गांव के जिम्मेदार के यहां डाका मारा था सरदार ये माल हाथ लगा बस इतना ही माल माल तो बहुत था सरदार लेकिन पुलिस आ गई और संग्राम सिंह का आदमी वहां से भाग आया सरदार चिंता की कोनो बात नहीं जुड़ा बना रहा है सरदार की जय हो क्या खबर है जोरावर सिंह सरदार हमने सारा चंबल खंगार डाला लेकिन बादल की खुशबू किसी हवा ने नहीं बताई जाने भी दो शायद तुम्हारे डर से कहीं छिप गया होगा वो छुपने की साली जगह भी कहीं चंबल में होगी ना जोरावर सिंह हाँ उस हरामजादे का पता चलना ही चाहिए संग्राम ने जिंदगी में जो भी इरादा किया है ना उसे पूरा किया है यह इरादा भी पूरा होगा ना होगा सरदार हमने अपने आदमी चारों तरफ लगा रखे हैं लेकिन उस कमबख्त का आता पता किसी को नहीं मालूम
बेपता तो सिर्फ बंदूक की गोली होती है जोरावर सिंह। चंबल की दीवार से गुजरती हुई हर हवा को हम तक पहुंचना चाहिए। अरे बेटा कहां चला गया था तू? रात भर कैसे बुरे बुरे विचार? अरे माँ ये क्या हमेशा रोती रोती रहती हो? मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, क्या अपनी ड्यूटी छोड़कर घर पे बैठा रहूँ आकर? क्या भैया कहाँ चले गए थे तुम? चलो अभी से बताओ मैं कहाँ चला गया। तुम्हें पता नहीं आज आखिरी का दिन है। ये क्या? आज अगर किशन भैया भी होते तो। अगली रोती क्यों है? अरे तुझ जैसी प्यार करने वाली बहन के सामने भगवान को एक दिन जरूर झुकना पड़ेगा। अरे देखना तेरी राखी का एक एक धागा किशन भैया को हम तक जरूर खींच लेगा एक दिन। सच बेटा। हाँ चलो लड्डू खाओ। पुलिस तो उसकी तलाश में है। मंदिर में तो खास तौर पर सख्त कह रहा होगा, हम सब उसे मना कर चुके हैं, लेकिन वो कहता है मुझे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है। काली माँ को जो करना है वो तो कहीं कर सकता है। तुम जा सकते हो। सरदार की जय हो। हीरा माँ काली की पूजा साल में एक बार होती है नरे? हाँ। और सुना है वहाँ 40 गांव के लोग चढ़ावा चढ़ाने आते हैं? आते तो है। हम भी माँ काली के भक्त हैं, इसलिए उस चढ़ावे पर हमारा भी हक है। जरूर है, लेकिन आज तक जिसने भी इस चढ़ावे को लूटने की कोशिश की वो पकड़ा गया। उन हरामजादों ने चढ़ावे का लालच किया होगा, देवी माँ को बलि नहीं चढ़ाई होगी, लेकिन हम बादल की बलि देकर चढ़ावे को लूटेंगे। Thank you.
देवी के चरणों में उसकी बलि चढ़ा दूंगा। मौत बादल ओ तो तुम बादल हो? हाँ, और तुम शायद संग्राम सिंह हो। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए। काली माँ ने मेरा वचन पूरा करने के लिए तुम्हें भेजा है। चढ़ावा तो मैं ले ही आया था। बलि चढ़ाना भूल गया था। रुक जाओ बादल।
माँ जी आप? बादल बेटा तुम? अरे ये क्या? पुलिस मेरा पीछा कर रही है माँ जी। तुम तो जख्मी हो बेटे, आओ आओ मैं तुम्हें पट्टी बांध दूं। आओ ना। नहीं माँ जी, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। बेटे किसी के मांग के सिंदूर को सजाए रखने वाला फरिश्ता होता है बादल, और तुम्हारे लिए तो मैं हजारों मुसीबतें सहन करने को तैयार हूँ। आओ आओ बेटे आओ ना जी। आओ। मैं नहीं जानता था कि ये अच्छा अच्छा आपका अच्छा घर। बैठो बैठो बेटे। अच्छे बेटे माँ का कहना मानते हैं। ये इसकी तस्वीर है मेरे बड़े बेटे किशन। किशन? हाँ वो बचपन से गायब है, लेकिन ज्योति हर साल इस तस्वीर को राखी बांधती है। आज 20 साल हो गए किशन तो नहीं आया। हाँ राखी जरूर हर साल बदलती रहती है। अपने हाथ से राखी बांध दे बहन, मैं वादा करता हूं जब तक इन रगों में खून है तेरे बड़े भैया का हर फर्ज निभाऊंगा। जमींदार साहब समझने की कोशिश कीजिए, वो इधर ही आया और यही कहीं ये मेरा घर है, यहाँ किसी मजरूम का क्या काम? देखिए आप मेरे काम में बाधा मत डालिए, सामने से हट जाइए। देखो राम तुमने सारे कमरे तो देख लिए, वो कुछ चूहा नहीं है जो किसी फिल्म में चल जा। समझे? शाम आ गया शायद। देख लिया वर्दी का सर, तलाशी लेने के लिए आया है, जैसे घर इस गांव के जमींदार का नहीं किसी दो टके के मुजरिम का हो। बादल कहाँ है? बादल? तेरा दिमाग तो ठिकाना है ना, बादल यहाँ क्या करने आएगा? ये फोन किसका है बता सकती है? मेरी उंगली से गिर गया भैया, शीशा लग के उंगली कट गई थी ना इसलिए। बादल जख्मी था, उसके घाव से खून बह रहा था इसलिए। ज्योति किशन भैया की राखी कहाँ है? यही तो थी भैया, पता नहीं कहाँ। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, बादल यही था और यही है। झूठ नहीं बोलती। जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया हो उसको बचाने के लिए एक बार तो क्या 100 बार झूठ बोलना पड़े उसको मैं पाप नहीं मानती। बादल यहाँ आया था? हाँ। तुमने उसके भागने में मदद की? हाँ। तुम जानती हो माँ कानून की नजर में वो आदमी जो एक मुजरिम को पनाह दे उसको बचाने में उसकी मदद करे उतना ही गुनहगार है जितना कि मुजरिम खुद। अगर एहसान की कीमत चुकाना गुनाह है तो मैं गुनेगार हूँ, तुम अपना फर्ज पूरा। मैं कहता हूँ तुम दोनों होश में हो या नहीं, परसों ज्योति की शादी है, जिस बेटे की माँ जेल में होगी उसकी लड़की से शादी कौन करेगा? एक माँ को अपने बेटे के फर्ज में दीवार नहीं बनना चाहिए। लेकिन माँ एक बेटा अपने लिए माँ को जेल नहीं भेज सकता। बादल भाग जा यहाँ से, भाग जा। माँ माँ बहुत बड़ी चीज होती है, मेरी नहीं है ना, इसलिए मैं उसकी कदर अच्छी तरह जानता हूँ। कितनी मुश्किल से तो एक माँ मिली है, उसे भी अपनी छाया से बदनामी दे जाऊं? ये क्या कह रहा है बादल, ये क्या कह रहा है मेरे लाल? बस माँ बस, तेरे ये शब्द पाकर अगर मैं मर भी जाऊं तो तेरी सौगंध बहुत कामयाब मौत होगी माँ।
राम बाबू, सुना है औरत जिस घर में डोली में आती है वहां से अर्थी में ही निकलती है, ससुराल के बाद उसकी मंजिल शमशान ही होती है, जेल नहीं। इन हाथों में हथकड़ी डाल सकते हो। नहीं दोस्त, जज्बात के खिलाड़ियों को लोगों से नहीं जकड़ा जाता। आओ मेरे साथ। हम खुश नहीं हुए, लेकिन हम बहुत खुश हुए संग्राम सिंह। आखिरकार हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। हाँ ठाकुर, तुम्हारा काम तो हो गया, पर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उस पर दो खून के इल्जाम हैं, काफी लंबी लगी। वो जब भी छूट कर आएगा ना, मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। उस हराम जादे की वजह से मेरा बहुत लंबा नुकसान हुआ है, बहुत लंबा। कुछ भी कहो संग्राम, आदमी काफी जोरदार है, हम तो वक्त की मार से टूटे हुए हैं, लेकिन संग्राम सिंह वो तो तुम्हें भी चोट दे गया। हम अपने दुश्मन की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते ठाकुर। संग्राम सिंह, हम अपने दोस्तों के मुंह से ऐसे लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। हमने जिंदगी में काम लेना सीखा है पैसे फेंक कर, हुक्म सुनना नहीं। तो हमने भी पैसे लूटना सीखा है, भीख लेना नहीं। तुम इस वक्त संग्राम सिंह के मेहमान हो ठाकुर, और संग्राम सिंह मेहमानों की इज्जत करना खूब जानता है। बेहतर है ये मेहमान नवाजी यही खत्म कर दी जाए। जोरावर सिंह, ले जाओ, ले जाओ इस ठाकुर के बच्चे को इसके घोड़े तक। संग्राम सिंह, हम अपनी बेइज्जती करने वाले को कभी माफ नहीं करते। साहब लीजिए, साहब गरम गरम पीजिए, नींद और ठंड ऐसे उड़ जाएगी जैसे जैसे तुम्हारे सर से सींग। मेरे नहीं सर, गधे के सिर से। गधे, देखिए मैं काम कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर। ए चाय वाले। यस सर। चाय मिलेगी? चाय नहीं, पहले रुद्राम हेड कांस्टेबल कहो। रुद्राम। यस सर। इनके लिए चाय ले आओ। लाया सर। तुम बहुत तरक्की करोगे राम बाबू। क्यों? काम की लगन की वजह से। इतनी मेहनत तो बहरल, सिपाही का दूसरा नाम ही मेहनत होता है। चाय तुम पियो ना, अभी लाता है। बादल, कुछ अंदाजा है कि संग्राम सिंह का अड्डा किस जगह है? पूरी पहाड़ी के पीछे कहीं उसके साथियों को आते जाते देखा है मैंने। लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारी बेगुनाही भी तो साबित करनी है। वो तो मैं खुद ही कर लूंगा राम बाबू, जेल में रहकर। वैसे कल मैं तुम्हें शहर भेजने वाला हूं। देखो राम बाबू, यहां तक तो मैं मां की वजह से आया हूं, लेकिन आगे बाबा की मर्जी के बगैर नहीं जाऊंगा। इनकी मैं अमानत हूं, वो मुझे लेने आ गए हैं। सरकार, बहुत सारा गांव इकट्ठा हो गया है और उसमें आपके अपने लोग भी हैं। अपनों के लिए अपने ही आते हैं रुद्राम। बादल को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। बादल को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। तुम लोगों से ज्यादा मैं बादल की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। जिस तरह आप अपने फर्ज से मजबूर हैं, उसी तरह हम भी अपने फर्ज से मजबूर हैं। हमें बादल चाहिए। बादल पर खून का इल्जाम, उसकी जमानत सिर्फ अदालत से ही हो सकती है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं बादल को आजाद नहीं कर सकता।
इंतजाम तुम यहीं रहो। शादी है और मैं चाहता हूं कि इसकी बेटी की टोली उठने से पहले इसकी बीवी और बच्चों की अर्थी निकले। बाबा, उस देवी और बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मेरी देवी और मेरे बच्चे ने कुत्ते का क्या बिगाड़ा था? मैं वो जिंदा मौत उसको दिखाना चाहता हूं। नहीं बाबा, मेरा इतना बड़ा इंतकाम तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो। बाबा, वो मां जो मेरे लिए जेल जाने को तैयार थी, वो बहन जिसने अपनी 20 साल की अरमानों के लिए राखी मेरे जख्मों पर बांधी, जिसको मैंने वचन दिया कि मैं बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा, नहीं बाबा, मैं उनकी मौत नहीं देख सकता। तो क्या मैं ये समझूं कि मेरा बेटा बदल गया है? बाबा, भवानी मां की कसम, मां की मर्जी और तुम्हारा हुक्म ही मेरी जिंदगी है, लेकिन इतना बड़ा हार मैं जीते जी नहीं सह सकता। बाबा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, आज मेरी ख्वाहिश मत करो। मैं इसके सीने में औलाद की मौत का दर्द देखना चाहता हूं, इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे भाई जरूर पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी। मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है बाबा, सिर्फ इशारा कर दो, गर्दन काट के तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। और इस कुर्बानी की वजह भी सुन लो,
क्योंकि उसे बताए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी, जो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। ठाकुर, जानते हो ये बादल कौन है? ये तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा बेटा किसान। किशन अब बादल है और बादल इस ठाकुर को कभी नहीं अपना सकता। हाँ बेटे बादल, तुम सचमुच ठाकुर के बेटे हो जिसे मैं अपनी हिफाजत के लिए उठा लाया था, और मलंग बाबा के कहने पर मैंने तुम्हें बादल बना दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें बादल नहीं सिर्फ किशन के रूप में देख रहा हूं। तुम ठाकुर के बेटे किशन हो, मेरे दुश्मन के बेटे। बाबा, तुमने अपने दुश्मन के बेटे को वो जिंदगी दी है जो शायद अपने बेटे को नहीं देते। आज मुझे खुशी है कि जिंदगी के आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं। लो बाबा, पूरी करो अपनी आखिरी पसंद। तुझे अपनी पसंद पूरी करनी है, तुम्हें नहीं जाने दे। हट जाओ ठाकुर, ये तुम्हारे पापा का प्रायश्चित है। हट जाओ, पूरी करो अपनी। ये तुम क्या कर रहे हो जगा? जिस बच्चे को तुमने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उसी की हत्या करोगे? नहीं जग्गा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं, तुम माफ कर दो मालती, मैं ये बदला नहीं ले सकता। नहीं, बदला नर्क की आग है, शैतानी जोश है, इंसान को इंसानियत से गिरा देता है। मेरे बच्चे, दुश्मन को घर भेज दो। बेटे, परवरिश करने वाला ही सब कुछ नहीं होता, पैदा करने वाले का भी कुछ हक है। बाबा, जमींदार साहब आ? क्या बात है चंपा? गजब हो गया, जमींदार साहब की बेटी और बीवी को उठा लिया गया है। इल्जाम बादल के नाम है। नहीं नहीं नहीं, बादल ऐसा नहीं कर सकता। जो आदमी एक गैर औरत को माँ का दर्जा देने की वजह से अपने आप को गिरफ्तार करा दे, उस माँ को किडनैप क्यों करेगा? इसलिए सर कि वो आपकी माँ को ही नहीं, आपके सारे खानदान को एक साथ खत्म कर देना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जावेद, मैं अभी शहर से आया हूँ। आपने जग्गा नाम के जिस आदमी का रिकॉर्ड मंगाया था, वो वही शख्स है जो आपके भाई कृष्ण को उठाकर ले गया था। क्या? इस फाइल में पूरी तफसील है। कृष्ण को चढ़ा सकता है तो इंस्पेक्टर राम अपने फर्ज अपनी मां और अपने बहन के लिए तुम्हें सूली पर चढ़ा सकता है। मां कसम, ठाकुर की छोकरी तो ठाकुर की ठाकुरी से ज्यादा दमदार नजर आती है। जीती जाती कयामत है सरदार। नमक हराम, जो लड़की तेरी गोद में खेलकर बड़ी हुई है
उसके लिए ऐसे शब्द बोलती हुए शर्म नहीं आती तुझे? चुगलान! नहीं, बात पसंद आई। अगर सुबह तक ठाकुर इस अड्डे पर पैसे लेकर ना आया तो हम ये जरूर देखेंगे कि ये कयामत दुर्जन की गोद में किस तरह खेला करती थी। संग्राम सिंह, ये मत भूलो कि मेरा भाई इंस्पेक्टर है। सुबह होने से पहले ये चंबल कानून के रखवालों के पैरों तले रोन दिया जाएगा। जरूर रोन दिया जाएगा, लेकिन संग्राम सिंह के लिए नहीं, बादल के लिए। और बादल वही होगा जहाँ जालिम संग्राम सिंह होगा। बादल, बादल भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? माँ की ममता और बहन की राखी के रखवाले को रोकने वाला इस चंबल में नहीं पैदा हुआ है दुर्जन सिंह। रोकने वाला भले ही ना पैदा हुआ हो, खत्म करने वाला जरूर पैदा हुआ है। भूल तो इसे नहीं, बादल मेरा शिकार है, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर किसी ने हरकत की। जियो राम, बड़े मौके पर आए। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बादल। अपने पिता के अंधे बदले के जोश में जो कदम तुमने उठाया है उसकी सजा तुम्हें बड़ी सख्त मिलेगी। राम, राम, ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। बादल बेटे का साथ दो। किसे बेटा कह रही हो मां? इसे, जिसके पिता ने तुम्हारे जिगर के टुकड़े को छीन लिया, जो तुम्हारे खानदान के सबसे बड़े दुश्मन जग्गा का बेटा है। यह गलत है। नहीं बादल, बादल जग्गा का बेटा, वो जग्गा जो मेरे किशन को ले गया था। राम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पिस्तौल फेंक दो छोटे ठाकुर, वरना ये दोनों। बहुत अच्छे दुर्जन सिंह, हम तुम्हारी चालाकी से बहुत खुश हुए। अब इन दोनों को भी बांध दो। चलो चलो चलो। कहते हैं एक और एक 11 होते, इसलिए मैं तुमको ही नहीं सारे अड्डे को 11 पर खत्म कर दूंगा। ए चमके। जी सरदार। तू जाल फैलाने में बहुत तेज है ना, इस सारे अड्डे में बारूद का जाल फैला दे। जो हुकुम सरदार। ममता और राखी का रखवाला बादल, और तू चंबल को राउंड देने वाला इंस्पेक्टर है।
कान बोलेंगे। इंसान का बस नहीं चलता, एक तो भगवान और दूसरी मौत। बाबा ठाकुरायन, हालात की दूरी की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये लो ठकुराइन, तुम्हारा बेटा किशन मैं तुम्हारे हवाले कर। मेरा बेटा किशन इसे संभाल कर रखना ठकुराइन। मैंने बाबा बहुत प्यार से पाला है इसे, संभालो ठकुराइन, अपनी अमानत संभालो। इंस्पेक्टर राम, मैं तुम्हारे कानून का मुजरिम हूं। चक्का बाबा, कानून जुर्म को सजा जरूर देता है लेकिन उन जज्बातों को सलाम भी करता है जो इंसानियत का सबक सिखाता है। बेटे जग्गा, माँ का नाम ले, जग्गा माँ का नाम ले। जय काली माँ। हाँ बाबा बोलो, जय काली माँ। मेरी
यह है कि ऊपर वाला हर बस्ती, हर कौम, हर देश को दुश्मन दे तो तुम जैसा और दोस्त दे तो बादल जैसा।